हेलो एवरीवन वेलकम टू ग्रीन एग्रीकल्चर चैनल इन दिस वीडियो आई विल डिस्कस द साइंटिफिक कल्टीवेशन ऑफ पोम ग्रेनेट अनार की वैज्ञानिक खेती के बारे में इस वीडियो में हम बताएंगे कि अनार की वैज्ञानिक खेती किस प्रकार से की जाती है अनार का बोटनिकल नेम होता है प्यूनिका ग्रानाटम फैमिली प्यूनियशी होती है ओरिजन इसका ईरान होता है क्रोमोजोम नंबर टू एन टू सिक्सटीन और एटीन होता है टाइप ऑफ फ्रूट ब्लास्टर टाइप का फ्रूट होता है एडबल पार्ट इसका एरिल होता है मेथड ऑफ कमर्शियल कॉमर्शियल पे प्रोपोगेशन, प्रोपोगेशन मेथड होता है हार्डवुड कटिंग अदर मेथड में लेरिंग आ जाता है माइक्रो प्रोपोगेशन आ जाता है इट इज़ ए नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट क्रॉप ये नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट क्रॉप होता है नेक्स्ट है स्पसीज अनार की मेनली दो स्पसीज होती हैं एक होता है प्यूनिका प्रोटोप्यूनिका फाउंड वाइल्ड इन स्कोक्ट्रा आइसलैंड एमान प्यूनिका ग्रानाटम टू सब स्पीसीज फर्स्ट है क्लोरोकार्पा फाउंड इन ट्रांस काउकासस। फाउंड इन ट्रांस काउकासस। नेक्स्ट है प्रोफायरोकार्पा नेक्स्ट कौन सी है सब स्पीसीज प्रोफायरोकारपा फाउंड इन सेंट्रल एशिया ये जो प्रोफायरोकार्पा है ये एशिया का सेंट्रल एशिया का इसका ओरिजिन है नेक्स्ट आता है इन्फ्लोस का ग्रानाटम में किस तरह का इन्फ्लुएंस होता है हाइपनथोडियम टाइप का इन्फ्लुएंस होता है मिक्स बीरिंग हैबिट होती है हाईली ड्रॉट टोलोरेंस होता है समर क्रॉप ईच इन मैक्सिमम डिमांड जो समर क्रॉप होती है गर्मियों की फसल होती है उसकी डिमांड अधिक होती है मैक्सिमम एरिया एंड प्रोडक्शन इन महाराष्ट्र मैक्सिमम एरिया और प्रोडक्शन किस राज्य में है महाराष्ट्र में है हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी किस राज्य में होती है तमिलनाडु में होती है नेक्स्ट है द प्रॉब्लम ऑफ क्रेकिंग ऑफ फ्रूट इज़ मोर इज़ मोर ड्यूरिंग द मृग बहार सीजन मीन्स मृग बहार के मौसम में फलों के फटने की समस्या अधिक होती है नेक्स्ट है द पोम ग्रेनेट इज बोथ सेल्फ पोलिनेटेड एंड क्रॉस पोलिनेटेड बाय इंसेक्ट जो पोम ग्रेनेट होता है ये सेल्फ पोलिनेटेड भी होता है और क्रॉस पोलिनेटेड भी होता है और इस इसका पोलिनेशन किसके द्वारा होता है इंसेक्ट के द्वारा होता है नेक्स्ट आता है आपका एनाटॉमी ऑफ ग्रेनेट इसमें इस पिक में दिखाया गया है पोमग्रेनेट की एनाटॉमी आ, को दिखाया गया है इसमें देखिए ये फ्रूट है फ्रूट के पार्ट्स में आ, आता है आपका पेरीकार्प पेरीकार्प के अंदर होता है एक्जोकार्प मीजोकार्प ये है एरिल ये इसका एडबल पार्ट होता है इसको एरिल किसे कहते हैं एरिल होता है सीड के ऊपर जूसी कवर होता है इसको कंप्लीट रूप से क्या बोला जाता है एरिल नेक्स्ट आता है आपका ये है एम्ब्रियो नेक्स्ट है फूड वैल्यू फॉर हंड्रेड ग्राम ऑफ एडवल पोर्सन इसमें कैलोरीज़ जो होता है वो सिक्सटी थ्री टू सेवेंटी एट परसेंट पाया जाता है मॉस्चर होता है मॉइस्चर कितना पाया जाता है सेवेंटी टू पॉइंट सिक्स टू एट्टी सिक्स पॉइंट फोर ग्राम प्रोटीन 0.05 टू 1.6 ग्राम फैट 0.9 ग्राम कार्बोहाइड्रेट 15.4 टू 19.6 ग्राम फाइबर 3.4 टू 5.0 ग्राम एस 0.36 टू 0.73 ग्राम कैल्शियम 3 टू 12 ग्राम 12 मिलीग्राम कैल्शियम कितना होता है 3 टू वन टू मिलीग्राम थ्री टू ट्वेल्व मिलीग्राम फास्फोरस एट टू थर्टी सेवन मिलीग्राम आयरन जीरो पॉइंट थ्री टू वन पॉइंट टू मिलीग्राम सोडियम थ्री मिलीग्राम पोटेशियम टू हंड्रेड फिफ्टी नाइन मिलीग्राम कैरोटीन नॉन टू ट्रेस थाइमीन कितना पाया जाता है जीरो पॉइंट जीरो जीरो थ्री मिलीग्राम राइबोफ्लेविन कितना पाया जाता है जीरो पॉइंट जीरो वन टू टू जीरो पॉइंट जीरो थ्री मिलीग्राम इसके बाद नियसिन जीरो पॉइंट वन एट जीरो टू जीरो पॉइंट थ्री मिलीग्राम एस्कॉर्बिक एसिड फोर टू फोर पॉइंट टू मिलीग्राम सिट्रिक एसिड कितना पाया जाता है जीरो पॉइंट फोर सिक्स टू थ्री पॉइंट सिक्स मिलीग्राम बोरिक एसिड पाया जाता है जीरो पॉइंट जीरो जीरो फाइव मिलीग्राम नेक्स्ट आता है आपका क्लाइमेट जलवायु जो पोमग्रेट होता है वो किस प्रकार की जलवायु में ग्रो किया जाता है इट इज ए ट्रॉपिकल प्लांट एंड ग्रो अप टू एन एल्टीट्यूड ऑफ टू थाउजेंड मीटर यह एक उष्ण कटबंदी पौधा है और दो हजार मीटर की ऊंचाई तक इसकी खेती की जा सकती है ए हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट इन्हेंस द क्वालिटी ऑफ फ्रूट्स गर्म और शुष्क जलवायु फलों की गुणवत्ता को बढ़ाती है ऑप्टिमम टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस नेक्स्ट आता है सॉइल लोमी एंड एलुवियल सॉइल इज़ बेस्ट इसके लिए लोमी और एलुवियल सॉयल बेस्ट होती है कैन आल्सो बी कल्टिवेटेड इन स्लाइटली एल्कलाइन एंड लाइम लाइम रिच सॉइल थोड़ी क्षारिय और चूना युक्त मिट्टी में भी इसकी खेती आसानी से की जा सकती है सॉइल हैविंग द पीएच ऑफ 7.5 पॉइंट इज आइडियल 7.5 पॉइंट वाली सॉइल अच्छी उपज देती है नेक्स्ट आता है कल्टीवार मीन्स वेराइटी इसकी कल्टीवार मेन है गणेश, जो गणेश कल्टीवार है यह एक उल्ट घटबंडी पौधा है और 2000 मीटर की ऊंचाई तक इसकी खेती की जाती है द वायटी इज डेवलप बाई सेलेक्शन मैथड इस वैराइटी को सलेक्शन मैथड द्वारा तैयार किया गया है इस वैरायटी को सलेक्शन मैथड द्वारा तैयार किया गया है इट इज ए प्रोलिफिक बीरर फ्रूट वेरी लार्ज रिंग येलो रेड पिंक एरिल एरिलथ सॉफ्ट सीड मीन्स इसका छिलका पीले रंग का होता है मुलायम बीजों वाला गुलाबी रंग का होता है इट इज़ द कॉमर्शियल कल्टिवेशन ऑफ महाराष्ट्र महाराष्ट्र में इसकी खेती व्यवसायिक रूप से की जाती है द एवरेज ईल्ड रेंज फॉर्म इसकी इल्ड एवरेज होती है और इसकी जो ईल्ड होती है आठ से दस किलोग्राम पर ट्री नेक्स्ट आता है मृदुला नेक्स्ट वेरायटी है मृदला दिस वेरायटी हैज़ आल्सो द करैक्टर ऑफ द गणेश वेरायटी एक्सेप्ट द एरिल एंड डार्क रेड इन करल कलर ये जो मृदला वेरायटी होती है ये गणेश वेरायटी की तरह होता है और जो इसका एरिल होता है वो डार्क रेड कलर का होता है द कलर द कलर ऑफ द एरिल इज अम्बे बहार एंड मृग बहार इज डार्क रेड इसके जो एरिल का कलर होता है वो अम्बे बहार और जो मृग बहार की फसल होती है वो डार्क रेड की होती है और हस्त बहार में जो फल का प्रोडक्शन किया जाता है उसके एरिल का कलर कैसा होता है पिंक वाइट उसके एरिल का कलर होता है पिंक कलर अम्बे बहार और मृग बहार में जो मृदुला फ्रूट का प्रोडक्शन किया जाता है उसके एरिल का कलर होता है डार्क रेड और हस्त बहार में पिंक कलर का एरिल होता है द एवरेज फ्रूट वेट इज़ 250 हंड्रेड फिफ्टी टू थ्री ग्राम इसका जो एवरेज फ्रूट वेट होता है फ्रूट का वज़न होता है वो इसका एवरेज होता है 250 से 300 ग्राम नेक्स्ट फ्रूट है नेक्स्ट फ्रूट वेरायटी है अरगटा नेक्स्ट वेरायटी है अरगटा इस वराइटी का क्या करैक्टर होता है इस वैरायटी करैक्टर है यह गणेश किस्म की तुलना में छोटे होते हैं जिनमें नरम बीज वाले गहरे लाल रंग के दाने होते हैं द फ्रूट्स आर स्मॉलर देन गणेश वेरायटी हैविंग डार्क रेड कलर एरे विथ सॉफ्ट सीड नेक्स्ट वेरायटी है मस्कट मस्कट का क्या करेक्टर होता है द फ्रूट ऑफ द वेराइटी हैव रेड रिंग विद पिंक कलर एरिल इसका जो एरियल का कलर होता है वो पिंक कलर का होता है द फ्रूट आर विद एवरेज वेट थ्री हंड्रेड टू थ्री हंड्रेड फिफ्टी ग्राम इसके फ्रूट का एवरेज वेट होता है तीन सौ से पाँच सौ ग्राम नेक्स्ट वेराइटी है जोती इसका करेक्टर होता है दिस वेराइटी वाज डेवलप एट आई आई एच आर बेंगलोर इस वेराइटी को कहाँ डेवलप किया गया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च जो बेंगलोर में प्रेजेंट है इस वेराइटी को आई आई एच आई आई एच आर द्वारा विकसित किया गया है द फ्रूट आर लार्ज विद अट्रैक्टिव कलर हैविंग डार्क रेड एरिल इस फ्रूट का साइज लार्ज होता है बड़ा होता है और इस फ्रूट के एरिल का कलर के किस टाइप का होता है डार्क रेड मतलब गहरे लाल कलर का इसका एरिल होता है नेक्स्ट है द सीड्स आर वेरी सॉफ्ट विद हाई पल्प एंड जूस कंटेंट जो इसका सीड होता है वो बहुत सॉफ्ट होता है और उसमें जूस की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है नेक्स्ट वेराइटी है रूबी नेक्स्ट वेराइटी कौन सी है रूबी दिस वैरायटी इज़ डेवलप्ड एट आई आई एच आर बेंगलोर इस वैरायटी को भी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च जो बेंगलोर में प्रजेंट है उसके द्वारा विकसित किया गया है द मेच्योर फ्रूट रिसेम्बल कल्टीवर गणेश विद रिस्पेक्ट टू सेफ एंड साइज जो इसका मैच्योर फ्रूट होता है वो गणेश फ्रूट के समान होता है द फ्रूट वेट टू हंड्रेड सेवेंटी ग्राम विद एन एवरेज ईल्ड ऑफ सिक्सटीन टू 18 टन पर हेक्टेयर। इसके फ्रूट का एवरेज वेट होता है दो सौ सत्तर ग्राम और इसका एवरेज ईल्ड उपज होती है सोलह सौ 18 टन पर हेक्टेयर। नेक्स्ट वेराइटी है ढोल का फ्रूट लार्ज रिंग येलो इज रेड विद पिंकिस वाइट एरिल इट इज ए पॉपुलर कल्टीवार ऑफ गुजरात ये गुजरात की पॉपुलर कल्टीवार है और इसका मेन करेक्टर होता है इसका जो एरिल होता है एरिल का जो कलर होता है पिंक वाइट कलर का होता है नेक्स्ट वेराइटी है काबुल काबुल का करेक्टर है लार्ज विद डार्क रेड एंड पेल येलो रिंग फ्लैश डार्क रेड स्वीट स्लाइटली बीटर पल्प बड़े गहरे लाल और हल्के पीले रंग के छिलके के साथ मांसल गहरा लाल मीठा थोड़ा कड़वा गुदा होता है नेक्स्ट है मस्कट रेड स्मॉल टू मीडियम विथ थिन और फेयरली थिक रिंग फ्लेसी जूसी मीडियम स्वीट पल्प सॉफ्ट और मीडियम हार्ड सीड्स द प्लांट इज़ ए मोडरेटली प्रोल्फिक बिलर छोटे से मध्यम पतले या काफ़ी मोटे छिलके के साथ होता है इसमें जो इसका एरिल होता है मांसल रसदार होता है और पौधा मध्यम आकार का होता है नेक्स्ट वैरायटी है पेपर सेल नेक्स्ट वैरायटी है पेपर सेल राउंड मीडियम टू लार्ज पेल येलो ब्लस विथ पिंक विद वेरी थिन थिन रिंड फ्लेसी रेडिस और पिंक स्वीट वेरी जूस पल्प एंड सॉफ्ट सीड बियर हेवली नेक्स्ट है वेराइटी पूना लार्ज विद डार्क रेड ग्रे और ग्रेस ग्रीन रिंग समटाइम्स स्पॉटेड एंड ऑरेंज रेड और पिंक एंड रेड पल्प नेक्स्ट वेराइटी है वंडरफुल नेक्स्ट वेराइटी कौन सी है वंडरफुल इसका करेक्टर होता है ओरिजिनेटेड एज ए कटिंग इन फ्लोरिडा एंड प्रोपोगेटेड इन कैलिफोर्निया इन 19 कैलिफोर्निया इन 1896 फ्लोरिडा में कटिंग के रूप में इसे उत, उत्पन्न किया गया है और अट्ठारह में कैलिफोर्निया में इसे प्रोपोगेट किया गया है द फ्रूट इज ओब ओबलेट वेरी लार्ज डार्क पर्पल रेड विद मीडियम थिक रिंग डीप रेड जूसी वीनी पल्प मीडियम हार्ड सीड प्लांट इज वाइग्रस एंड प्रोडक्टिव फल चपटा बहुत बड़ा गहरा बैगनी लाल रंग का तथा मध्यम मोटी छिलका वाला होता है नेक्स्ट वेरायटी है मस्कट वाइट ये बहुत इंपॉर्टेंट वेराइटी है गुलाबी के साथ बड़े पतला छिलका होता है मांसल क्रीम क्रीम कलर का इसका एरिल होता है और इसके जो बीज होते हैं वो हार्ड होते हैं नेक्स्ट है अलांदी मीडियम साइज विथ फ्लैसी रेड मीडियम साइज विथ फ्लैसी रेड और पिंक सीड पल्प वेरी हार्ड सीड द जापानीज डॉर ओम ग्रेनेट प्यूनिका ग्रानाटम वेराइटी नाना इज स्पेश हार्डली एंड वाइल्डली ग्रोन एज एन ऑर्नामेंटल इन पॉट्स जो प्यून का ग्रानाटम वेराइटी नाना स्पीसीज़ है ये मेनली पॉट में ग्रो की जाती है और इसका ग्रोइंग का मेन पर्पज होता है ऑर्नामेंटल पर्पज के लिए इसे यूज किया जाता है नेक्स्ट आता है प्रोपोगेशन मीन्स परिवर्धन जिस प्रकार से प्रोपोगेशन किया जाता है इसका प्रोपोगेशन अनार का जो किया जाता है वो दो टाइप से किया जाता है सीडलिंग के द्वारा और एयर लेयरिंग के द्वारा सीड जो सीडलिंग्स तैयार करते हैं उसके करैक्टर होते हैं वेरिएशन इन करैक्टर्स लो ईल्ड होता है पुअर क्वालिटी के इसके फ्रूट होते हैं और जो एयर लेयरिंग होता है एयर लेयरिंग अधिक सक्सेस करने के लिए टेन थाउजेंड को रूटिंग पर्पज़ के लिए यूज किया जाता है एयर लेयरिंग इज डन ड्यूरिंग द रेनी सीजन जो एयर लेयरिंग की जाती है वो कब की जाती है रेनी सीजन मीन्स बरसात के सीजन में एयर लेयरिंग किया जाता है नेक्स्ट मेथड आता है जो कॉमर्स जो कॉमर्शियल बेस पे मेथड है नेक्स्ट मेथड आता है कटिंग कटिंग जो होता है ये कटिंग हार्ड बुड कटिंग इज ए कॉमर्शियल प्रोपोगेशन मेथड इसका कॉमर्शियल प्रोपोगेशन मेथड कौन सा है हार्ड बुड कटिंग है वन ईयर ओल्ड फुली मैच्योर बुड आर यूटिलाइज इसमें एक साल पुरानी ब्रांच का यूज किया जाता है कटिंग आर ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर लॉन्ग जो कटिंग की लंबाई होती है वो बीस से पच्चीस सेंटीमीटर होती है और इसका डायमीटर होता है जीरो पॉइंट फाइव टू टू सेंटीमीटर ये इसका डायमीटर होता है आई ए ए टू हंड्रेड पी पी एम और आई बी ए वन थाउजेंड पी पी एम इंक्रीज द रूटिंग परसेंटेज आई ए इंडोल एस्टिक एसिड दो सौ पी पी एम और इंडोल ब्यूट्रिक एसिड एक हज़ार पी पी एम का यूज करके इसमें अच्छी रूटिंग आप प्राप्त कर सकते हैं जो कटिंग आप लगाते हैं पोमग्रैनेट की उसको अच्छी रूटिंग के लिए आई बी ए इंडोल एस्टिक एसिड जो होता है उसका एक हज़ार पी पी एम का यूज किया जाता है इंडोल एस्टिक एसिड और इंडोल ब्यूट्रिक एसिड क्या होता है ये एक तरह से रूटिंग हार्मोन होते हैं रूटिंग हार्मोन मीन्स क्या होता है प्लांट हार्मोन आर ऑर्गेनिक कंपाउंड अदर देन न्यूट्रेंट्स प्रोड्यूस बाई प्लांट विच इज लो कंसंट्रेशन ऑफ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ द प्लांट्स जो प्लांट हार्मोन होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं ये न्यूट्रेंट से अलग होते हैं और प्लांट में इसकी कम मात्रा पाई जाती है जो इसकी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को आगे बढ़ाती है सेट इन बर्ड्स विथ वन टू टू बर्ड्स एव दॉल फॉर वन ईयर जो बर्ड होते हैं वो दो बर्ड से अधिक ऊपर रखा जाता है सॉइल सरफेस से और दो बर्ड से अधिक नीचे रखा जाता है मीन्स एक कटिंग में मिनिमम चार बर्ड होना चाहिए वो कटिंग अधिक सक्सेस होती है कटिंग इज़ प्रिपेयर्ड इन नॉर्थ इंडिया इन स्प्रिंग एंड इन साउथ इंडिया इन मानसून जो कटिंग का प्रिपरेशन किया जाता है कटिंग की तैयार कटिंग तैयार किया जाता है वो नॉर्थ इंडिया में स्प्रिंग सीजन में किया जाता है और साउथ इंडिया में मानसून सीजन में तैयार किया जाता है इस पिक में दिखाया गया है कि किस तरह से कटिंग बनाया जाता है ये टू ईयर ओल्ड ब्रांच है यहाँ से जो ये ब्रांच लिख ली है ये वन ईयर ओल्ड ब्रांच है और इसका लिया जाता है हार्ड पोर्शन। ये है मैच्योर करंट सीजन बुड होता है इससे आप बनाते हैं हार्ड बुड कटिंग इसकी लंबाई कितनी होती है बीस से पच्चीस सेंटीमीटर और डायमीटर होता है जीरो पॉइंट फाइव टू टू सेंटीमीटर ऊपर का जो ये ब्रांच है ये आ जाता है आपका सेमी हार्ड वुड और सॉफ्ट वुड यहाँ से कटिंग तैयार की जाती है यहाँ से कट लगाया जाता है और इसमें मिनिमम बड होना चाहिए फोर मीन्स जैसे ये कटिंग है ये सॉइल सरफेस है सॉइल सरफेस के नीचे दो बर्ड होना चाहिए और सॉइल सरफेस के ऊपर दो बड होना चाहिए जो सॉइल सरफेस के नीचे बड होगा इससे रूट लिख लेगी और जो सॉइल सरफेस से ऊपर बड होगा इससे सूट्स लिख लेगी नेक्स्ट आता है आपका प्लांटिंग एंड प्लांटिंग डेंसिटी प्लांटिंग सीजन एयर लेयरिंग इज़ यूजली डन ड्यूरिंग द रेनी सीजन एंड आल्सो इन नवंबर दिसंबर जो एयर लेयरिंग है इसका सीज़न होता है रेनी सीजन और नवंबर दिसंबर में एयर लेयरिंग की जाती है प्लांटिंग इज़ यूजली डन इन स्प्रिंग जो इसकी प्लांटिंग होती है वो स्प्रिंग सीजन की जाती है फरवरी टू मार्च एंड जुलाई टू अगस्त इन सब ट्रॉपिकल एंड ट्रॉपिकल रीजन दोनों ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन में Uh, ट्रॉपिकल रीजन और सब ट्रॉपिकल रीजन में फरवरी से मार्च और जुलाई से अगस्त में प्लांटिंग की जाती है प्लांटिंग सिस्टम कौन सा होता है स्क्वायर सिस्टम और औरजागोनल हेग्जा, सिस्टम पिट साइज कितना है सिक्सटी सेंटीमीटर क्यूब स्पेसिंग होता है प्लांट से प्लांट की दूरी फाइव मीटर और रोट रो से रो की दूरी होती है फाइव मीटर फार्मर्स हैव एडोप्टेड ए स्पेसिंग टू पॉइंट स्पेसिंग ऑफ टू पॉइंट फाइव टू 4.5 मीटर जो फार्मर होता है अधिक प्रोडक्शन के लिए ये कुछ स्पेसिंग कम रखते हैं जैसे प्लांट से प्लांट की दूरी 2.5 और रोड से रो की दूरी 4.5 मीटर रखते हैं क्लोजर स्पेसिंग क्लोजर स्पेसिंग इंक्रीज़ डिजीज एंड पेस इंसिडेंस जिन प्लांट्स की दूरी कम होती है उसमें इंसेक्ट पेस्ट अधिक मात्रा में लगते हैं नेक्स्ट आता है आपका मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र खाद और उर्वरक इसमें एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइज़र पर प्लांट एक प्लांट के लिए कितना फ़र्टिलाइज़र डालना चाहिए जो वन ईयर का प्लांट होता है उसमें एफ़ वाई एम टेन किलोग्राम नाइट्रोजन दो सौ ग्राम फास्फोरस सौ ग्राम और पोटास चार सौ ग्राम डाला जाता है दो से पाँच ईयर का जो प्लांट होता है उसमें बीस किलोग्राम गोबर की खाद एफ़ एम डालते हैं चार सौ ग्राम डालते हैं नाइट्रोजन दो सौ पचास ग्राम डालते हैं फास्फोरस और आठ सौ ग्राम डालते हैं पोटाश छः साल से जो बड़ा प्लांट होता है जिसकी एज छः साल से ऊपर होती है उसमें तीस किलोग्राम गोबर की खाद डालते हैं एफ आई एम छः सौ ग्राम डालते हैं इसमें नाइट्रोजन पाँच सौ ग्राम इसमें डालते हैं फास्फोरस और बारह सौ ग्राम इसमें डालते हैं पोटास नेक्स्ट आता है इरिगेशन इरिगेशन मीन्स सिंचाई नेक्स्ट है आपका इरिगेशन इन समर अप्लाई वाटर एट द इंटरवल ऑफ टेन टू फिफ्टीन डेज एंड इन विंटर इनक्रीज इरीगेशन इंटरवल अप टू ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव डेज गर्मी के सीज़न में दस से पंद्रह दिन के अंतराल पर सिंचाई की जाती है और सर्दी के सीज़न में बीस से पच्चीस दिन के अंतराल पर सिंचाई की जाती है वीट कंट्रोल खरपतवार नियंत्रण टू कंट्रोल वीट मल्चिंग कैन बी डन खरपत जो खरपतवार का नियंत्रण किया जाता है वीट कंट्रोल किया जाता है वो मल्चिंग के द्वारा करना बहुत अच्छा होता है इससे क्या होता है एक तो वीट कंट्रोल हो जाता है और दूसरा मॉइस्चर पर, मॉइस्चर परसेंटेज सॉइल में कम नहीं होती जितनी प्लांट ग्रोथ के लिए मॉइस्चर परसेंट चाहिए उतनी सॉइल में अवेलेबल होती है नेक्स्ट आता है आपका ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग प्लांट आर ट्रेन ऑन ए सिंगल स्टेम और इन मल्टी स्टेम सिस्टम जो पोमग्रेनेट का प्लांट होता है इसके दो सिस्टम होते हैं ट्रेनिंग के एक सिंगल स्टेम होता है एक मल्टीपल स्टेम सिस्टम होता है सिंस द क्रॉप ट्रेन और सिंगल स्टेम ट्रेन सिस्टम आर मोर ससेप्टिबल टू पेस्ट स्टेम बोरर सूट सूट होल बोरर द अदर सिस्टम इज मोरेंट इन द कंट्री सिंगल स्टेम प्रणाली पर प्रशिक्षित फसलें कीटों के प्रति अति अधिस, अति संवेदनशील होती हैं जैसे कि स्टेम बोरर और स्टेम स्टेम बोरर और सूट होल बोरर नेक्स्ट आता है आपका प्रूनिंग प्रूनिंग इज नॉट मच रिक्वायर्ड एक्सेप्ट फॉर रिमूवल ऑफ ग्राउंड सकर्स वाटर सूट्स क्रॉस ब्रांचेस डेड एंड डिजीज टिक एंड आल्सो टू गिव सेफ टू द ट्री लिटिल थिंक एंड प्रूनिंग ऑफ ओल्ड स्पर्ट इज डन टू इनकॉन्ग्रेस ग्रोथ ऑफ न्यू वंस प्रूनिंग का मेन एम uh, होता है ऑब्जेक्ट होता है इसमें जो uh, ट्रीज़ में झिकझक ब्रांचेज होती हैं मीन टेढ़ी मेढ़ी से शाखाएँ होती हैं क्रॉस ब्रांचेस होती हैं और जो प्लांट्स में सकर्स निकलते हैं इनको रिमूव कर दिया जाता है और इसकी डेड ब्रांचेस और डिजीज जो जिन ब्रांचेस पर रोग लगा होता है उनको भी काट कर नष्ट कर दिया जाता है प्रूनिंग भी सेफ साइज के लिए यूज किया जाता है प्लांट के नेक्स्ट आता है इंटर क्रॉपिंग इंटर में क्या होता है कि इंटरक्रॉपिंग विद लो ग्रोइंग वेजिटेबल पल्सेस और ग्रीन मैन्योर क्रॉप इज़ बेनिफिशियल जो इंटरक्रॉपिंग होती है इसमें उन क्रॉप को ग्रो किया जाता है जिनकी हाइट कम होती है और जिस जिनमें लो ग्रोइंग का करेक्टर होता है जैसे वेजिटेबल पल्सेस ग्रीन मैन्योर इन एरिड रीजन एरिड रीजन में इंटर क्रॉपिंग इज़ पॉसिबल ओनली ड्यूरिंग द रेनी सीजन जो इंटरक्रॉपिंग होती है वो एरिड रीजन में रेनी सीजन में ही की जाती है विंटर सीजन में उन स्थान पर किया जाता है जहाँ सिंचाई की सुविधा होती है वेयर एज विंटर वेजिटेबल्स आर फेसिबल इन इरीगेशन इरीगेटेड एरियाज नेक्स्ट आता है क्रॉप रेगुलेशन नेक्स्ट है क्रॉप रेगुलेशन विथ हेल्ड वाटरिंग टू मंथ पेरियर टू नॉर्मल फ्लावरिंग सीजन विधहैल्ट वाटरिंग टू मंथ फेयरियल टू नॉर्मल फ्लावरिंग सीजन आफ्टर टू मंथ एफ्लाइड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर आर गिव लाइट इरीगेशन थ्री टू फोर डेज लेटर हैवी इरीगेशन एंड हैवी इरीगेशन एट नॉर्मल इंटरवल सामान्य फूलों के मौसम से दो महीने पहले पानी देना बंद कर दिया जाता है दो माह बाद खाद और उर्वरक डालें और हल्की सिंचाई करें तीन से चार दिन बाद सामान्य अंतराल पर भारी सिंचाई की जाती है थ्री फ्लावरिंग सीजन जो पोमग्रेनेट होता है अनार होता है इसमें एक साल में तीन बार फ्लावरिंग होती है अम्बे वार फेबरी टू मार्च जो अम्बे वाहर होती है उसमें फेबरी टू मार्च में फ्लावरिंग होती है अम्बे वाहर में कब फ्लावरिंग होती है फेबरी टू मार्च मृग में जून से जुलाई हस्तवार में सितंबर से अक्टूबर जो मृग बाहर होता है इसमें फ्लावरिंग टाइम होता है जून से अगस्त और हार्वेस्टिंग टाइम होता है फ्रूट का नवंबर टू मार्च हस्तबहार में अक्टूबर टू नवंबर में फ्लावरिंग होती है और फेवरी टू मई में हार्वेस्ट होती है अम्बे बहार में फेब जनवरी से फेबरी में फ्लावरिंग होती है और जुलाई से अगस्त में फ्रूट की हार्वेस्टिंग होती है नेक्स्ट आता है हार्वेस्टिंग हार्वेस्टिंग मीन्स कटाई आफ्टर फ्लावरिंग फ्रूट गेट्स मैचोर विद फाइव टू सिक्स मंथ फूल आने के बाद फल पाँच से छः महीने में पक जाते हैं वैन फ्रूट चेंजेस इट्स कॉलर फ्रॉम ग्रीन टू लाइट येलो और रेड फ्रूट्स स्टार्ट रेपनिंग इट इज़ ऑप्टिमम टाइम फॉर हार्वेस्टिंग इट इज़ ऑप्टिम टाइम फॉर हारवेस्टिंग जब फल का रंग हले हरे से हल्के पीले या लाल रंग में बदल जाता है यानी फल पकने लगता है तो यह कटाई का सबसे अच्छा समय होता है एवॉयड डिले इन हार्वेस्टिंग एज इट विल लीड टू फ्रूट क्रैकिंग एंड दस लीड टू ईल्ड लॉसेस कटाई में देरी से बचें क्योंकि इससे फल टूटेंगे और इस तरह उपज में कमी आएगी नेक्स्ट है ईल्ड उपज एट्टी टू 120 फ्रूट पर प्लांट और 16 टू 20 किलोग्राम पर प्लांट एट्टी टू 120 फ्रूट पर प्लांट एक प्लांट में 80 से 120 फ्रूट्स लगते हैं अनार के एक प्लांट में कितना ईल्ड होता है एट्टी टू 120 फ्रूट पर प्लांट और 16 से 20 किलोग्राम पर प्लांट इसकी उपज होती है थैंक यू